वेलकम टू बॉलीवुड कलर और मैं हूं रूपाली आपके साथ. और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं विशाल. पहले मैं आपको सॉरी बोलूंगी क्योंकि वी आर लेट, कुछ नेटवर्क इश्यू था. हम लोग 5 बजे आने वाले थे लाइव लेकिन थोड़ा लेट हो गए. तो जल्दी हमारे साथ विशाल ज्वाइन करने वाले हैं. तो आप कुछ भी विशाल से पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. और विशाल की तो क्या बात करें, विशाल ऑलरेडी टिकटॉक पे बहुत धमाका कर चुके हैं. विशाल तीन तिगाड़ा के नाम से ये लोग बहुत फेमस हैं, समीक्षा, भाविन और विशाल. तो हम लोग विशाल के साथ बहुत सारी बातचीत करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे आप लोगों के साथ और उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन. हाय एवरीवन, हाय प्रियंका, हाय तस्नीम, हाय आयुषी. I think विशाल has joined और बस विशाल जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं. सो फैंस आर आस्किंग कि तीन तिगाड़ा के साथ कब हम करने वाले हैं. हम जल्दी करेंगे, उन तीनों के साथ भी करेंगे लेकिन आज हम विशाल के साथ लाइव कर रहे हैं. विशाल से बहुत सारी बातचीत करेंगे, जानेंगे नए वीडियोज आने वाले हैं. हाय अंजलि, हाय प्रिया, आई थिंक सम नेटवर्क इश्यू इज देयर. सो बस कुछ ही देर में हम विशाल के साथ अभी जुड़ने वाले हैं. या एक्चुअली देयर इज सम नेटवर्क इश्यू. हाय हाय विशाल, हाउ आर यू? हाय, फाइनली आई एम ग्रेट. आई एम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली सॉरी, आई वाज स्टक समवेयर, आई वाज मेकिंग वन प्रमोशन, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया. मुझे नहीं पता था, मेरे को लग रहा था 5:30 बजे लाइव जाना है एंड एज यूजुअल मैं बहाने नहीं दे रहा हूँ. मैं पता है मैं लेट हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी. थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहे आप, थोड़ा सा नेटवर्क में आइए ना, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप दिख भी नहीं रहे अच्छे तरीके से. अभी ठीक है? अभी नहीं, नहीं नेटवर्क इशू आई थिंक. मेरा फेस ब्लर आ रहा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा. अच्छा बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है, वेट एक. तो गाइस विशाल हमारे साथ कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं, ऑलरेडी नेटवर्क इशू है तो से फिर जुड़ेंगे. तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ. और कुछ भी क्वेश्चंस हैं विशाल के लिए, आप पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं. वैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके निकाल के रखे हैं पूछने के लिए विशाल के साथ, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. यस यस, हाय महिम, हाय एवरीवन. आई थिंक यू विल बी ज्वाइनिंग अस. Hi Aditi, hi Prem, hi Satvik, I'm fine, how are you all guys? Yes, there is a network issue but he's coming in some time. अभी कुछ देर में join करने वाले हैं विशाल और फिर हम खूब सारी बातचीत करेंगे उनके साथ. और आप कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप. We'll try कि हम आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब देंगे. So guys, विशाल बहुत सारे entertaining videos बनाते हैं, कैसे लगते हैं आप लोगों को, आप बताइए मुझे मैसेज करके. Yes, he's coming in 2 minutes. There is a network issue. और जल्दी विशाल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. Yeah, Vishal is here. They all are big fans of Vishal. Hi, Kritika. I hope अभी सब ठीक है. अभी भी पहले जैसे ही आ रहा है लेकिन फिर भी आप अच्छे लग रहे हैं. You're looking smart. पक्का अभी सही है? अभी थोड़ा सा ब्लर, हाँ थोड़ा सा आप मतलब क्लियर नहीं आ रहे हैं. आवाज तो इट्स रियली क्लियर. हाँ इट्स ओके नाउ, फाइन. ओके ओके,
डोंट नो, मे बी सम इश्यूज कुछ हो गया होगा. नहीं यार, सबसे पहली बात ये ना, हर बार ही मेरे लाइफ में ना कुछ होता ही है. हर कोई भी लाइफ में, ये मेरे साथ हर बार ही होता है कि मैं सबसे पहले तो मैं कहीं भी लाइव जा रहा हूँ या फिर कुछ भी हो रहा है, या तो सबसे पहले तो मैं लेट हो जाता हूँ किसी काम के चक्कर में, या तो नेटवर्क नहीं मिलता उसके चक्कर में ना, बहुत सारे सीन हो जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बड़ा सॉरी मेरे तरफ से, आई एम रियली सॉरी. एंड अरे मेरे सारे फैंस को भी आई एम रियली रियली दिल से सॉरी. आई एम रियली सॉरी गाइज. मुझे 5:30 बजे में प्रमोशन में बिजी हो गया था. एंड हाँ, एक जन ने मुझे विश किया है, विशाल पांडे FC करके है, मेरा फैन क्लब है. उन्होंने बोला है कि तुम्हारी याद आई पे आज 10 मिलियन कंप्लीट हो गए हैं हमारे व्यूज. तो यस, वाओ आज ग्रेट कांग्रेचुलेशंस. मैंने देखा, मैंने थैंक यू, मैंने सुबह ही देखा था ये चीज. तो हाँ, आप ना क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, थोड़ा सा नेटवर्क अब में आ आइए रही है. प्लीज. मैं नेटवर्क में, फुल नहीं नेटवर्क है मेरा. ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मैं दिख रही हूँ आपको बिल्कुल क्लियर. आप भी दिख रही हो सब. मैं खुद को भी बहुत क्लियर दिख रहा हूँ. बट यहाँ पर नहीं दिख रहे आप क्लियर. अरे यार, क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ क्या क्या चलो इशू हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है. ओके, एनीवेज बिकॉज फैंस आर वेटिंग फ्रॉम 5 o'clock, तो अभी हम उनको ज्यादा वेट नहीं कराते हैं. अगर आपको चाहिए तो एक और बार मैं जाके आऊं. नहीं फिर पे वो फैंस को 5 बजे से वेट कर रहे हैं. बिकॉज बहुत एक बार लोग और बोल ट्राई रहे हैं कर लेते फेसेस हैं. ब्लॉक, एक बार और हाँ, ट्राई एक बार और करते ट्राई हैं. कर लेते हैं. हाँ तो मैं विदिन ना 20 सेकेंड्स ना आपको, तो आप अपना रिक्वेस्ट दिखते रहना, मैं भेजूंगा आपको ओके रिक्वेस्ट. हाँ ठीक है ठीक है. ओके सो गाइस, विशाल इज कमिंग इन 20 सेकेंड्स, तब तक आप हमें मैसेज कर सकते हैं. हाय विकास, हाय जानवी, हाय ईशु, हाय अनिश, हाय निमाजुद्दीन, हाय सूर्यकांची. यस यस, ही इज कमिंग इन 10 सेकेंड्स, देयर इज सम नेटवर्क इश्यू. हाय शिवांश. या हम लोग जल्दी भाभी और समीक्षा के साथ भी लाइव आने वाले हैं, लेकिन आज हम विशाल के साथ आए हैं, तो आज हम खूब सारी बातें करेंगे विशाल से, जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं वो क्वारंटाइन में. यस प्रियांशी इज कमिंग. हाय अर्शी, हाय दिव्या, हाय राहुल. यस आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल गाइस. हाय संजनी. यस सीरियसली, ये नेटवर्क का चक्कर ना, इट्स रियली अ ग्रेट प्रॉब्लम. हाय श्रद्धा, हाय पलक, हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉलीवुड कलर. और विशाल हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं. आई रियली होप. इट्स सेम थिंग बट स्टिल इट्स ओके. बट वॉट द फक इज हैपनिंग मैन, आई मीन गेटिंग इट यार, क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा. योर वॉइस इज क्लियर बट यू आर नॉट क्लियर. अभी तो और बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल नहीं दिख रहे आप. ओ, अभी क्या करूं मैं बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. कुछ ऐसा उपाय है तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ. अभी तो कुछ उपाय नहीं, मे भी हो सकता है शायद 5-10 मिनट में हम लोग बातचीत करें तो शायद अपने हो आप नेटवर्क सकता है, ठीक हो जाए, हो सकता जादू है, हो से ठीक सकता हो है. जाए. आई होप सो हो जाए. गाइस प्लीज प्रे, प्लीज प्रे फॉर मी. सो विशाल, व्हाट ऑल यू आर डूइंग इन क्वारंटाइन, इट्स लॉकडाउन, क्या कुछ करते हो? मैं बहुत हद तक वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बना रहा हूँ. एंड दैट यू आर मैं मेकिंग अमेजिंग वीडियोस, सीरियसली. थैंक यू. मैं वीडियोस बहुत बना रहा हूँ. मैं कुकिंग कर रहा हूँ, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. ओके जैसे कि कल ही मैंने पता नहीं ये क्या सीन, मैं बताना चाहता हूँ कि कल मैंने कितने वीडियोस बनाए. कल मैंने 55 वीडियोस बनाए हैं घर पे. माय यस, गॉड, ओ और ग्रेट. वो मैंने कुछ 2 आवर 15 मिनट्स में बना लिए थे 55 वीडियोस. तो कल मैं बहुत ज्यादा खुशी से पागल हो गया था कि 55 वीडियोस बनाए. और मेरे पास इतने वीडियोस पड़े हैं कि मैं अभी देख, दिन में तो 10 10 अभी अपलोड करना. अगर मैं दिन में 10 भी अपलोड करूँ तो भी मेरा 5 दिन सॉर्टेड, फिर भी 5 वीडियोस बच जाएंगे. तो अभी इतने में से कितने वीडियोस अभी आपने शेयर किए हैं? कल से अब तक में मैंने कम से कम 15 वीडियो, 15 13 14 वीडियो से डाल दिए रहेंगे यार, कल से आज तक अभी तक. ओके दैट्स ग्रेट, सो एनर्जी ना, लॉकडाउन में भी पूरी एनर्जी कहाँ एनर्जी जाएगी कहाँ फिर, लॉकडाउन में घर पे ही है तो एनर्जी स्टोर्ड है पूरी बॉडी में. सो व्हाट अबाउट कुकिंग, क्या कुछ कुकिंग कर रहे हो अभी, कुछ सीखा है, नया सीखा?
मुझे कुकिंग अब बहुत पहले से शौक था, मतलब मैं पहले बहुत कुकिंग करता था, बट क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो गया, फिर शूटिंग ये इधर उधर जाना, टिकटॉक बनाना, यूट्यूब शूट, मतलब जो भी करना है, तो बिल्कुल ऐसा टाइम घर पे मैं आता था कुछ 3-4 बजे, यू नो, फिर सुबह उठे वही सब, तो बहुत ज्यादा बिजी हो गया था मैं। तो अभी क्वारंटीन में फिर से टाइम मिला है, तो मैंने एक आइसक्रीम बनाया, काफी हेल्दी आइसक्रीम बनाया मैंने, बनाना का, वाह जिसमें कोई भी, ओके जिसमें बिल्कुल शुगर नहीं है और कुछ नहीं है, वो पीनट बटर प्रोटीन पाउडर बना के मैंने बनाया हुआ है, तो वो ओके बनाया सो है डू यू हैव मैंने। शेयर्ड दैट रेसिपी ऑन टिकटॉक? मैंने शेयर वेयर नहीं किया था, बहुत पता ही नहीं लोगों को अच्छा लगे ना लगे, इसलिए मैं सोचा कि मैं सिर्फ बना रहा हूँ, और मेरे घर वालों को तो काफी अच्छा लगा, काफी हेल्दी है उसमें, मतलब शुगर बिल्कुल नहीं है ना, फैट्स बिल्कुल नहीं है उसमें, तो वो बनाया था। फिर मैंने ओट्स उपमा बनाए थे मैंने, कुछ तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी बना रहा हूँ मैं, वर्कआउट कर रहा हूँ घर पे, तो बस टाइम काट रहा हूँ। ओके दैट्स ग्रेट एंड हाउ मच यू आर मिसिंग समीक्षा एंड भाविन, कितना मिस कर रहे हो उन दोनों को? ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, एंड ये बोलने की भी बात नहीं है कि मैं कितना मिस कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, बट क्या कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो यस फिर कहा जाए। सो एक बार फैंस को हेलो हाय बोल दो, फैंस आर वेटिंग फॉर मैं योर वही, मैं रिप्लाई. जस्ट आपको बोल रहा था कि आप 1 मिनट दे देना, मैं अपने फैंस लोगों को कुछ ये ग्रीट करेगा। सो हेलो गाइस, आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना मैं ये हुआ, नेटवर्क इश्यूज, आई डोंट थिंक अभी भी मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ दिखने में, बट आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज आप लोग ऐसे मुझे प्यार करते रहो, आई लव यू ऑल। ग्रेट सो अगर हम बात करें तीन तिगाड़ा आप जो नाम है वो कैसे शुरू हुआ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई तीनों की, थोड़ा सा बताइए. तीनों की जर्नी, खैर हम तीनों टिकटॉक पे थे पहले से, भाविन थोड़ा बाद में आया था, मैं उसके कुछ 2-3 महीने पहले आया रहूंगा। समीक्षा हम में से सबसे ज्यादा पुरानी है टिकटॉक पे, तो अच्छा हम एक मीटिंग ग्रीट में थे, वहां पे भाविन भी आया था, क्योंकि हमारे साथ एक और मीटिंग ग्रीट पे एक क्रिएटर थे हमारे फ्रेंड आदिल खान, वो भी क्रिएटर है टिकटॉक के, तो वो भी थे, तो भाविन, उनका भाविन और वो बहुत अच्छे दोस्त अभी, मतलब अभी भी हैं, और उस टाइम पे भाविन उसका दोस्त था, तो भाविन आया था उनसे मिले, तो हम मिले, फिर हमें पता चला कि हम मीरा रोड में रहते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वीडियोस करते हैं, बट मोर देन वीडियोस, फिर हमको मिलना काफी अच्छा लगने लगा, हम हमारी फ्रेंडशिप जो हम बखलेती पेलते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो सारी चीजें हम फिर से मिलने लगे। हमारी पहली वीडियो से बहुत बड़ी फ्लॉप थी टिकटॉक पे, हम तीनों की प्रोफाइल से जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे तीन तिगाड़ा, तो हमें पता नहीं था कि चलेगा नहीं चलेगा, हम तो फिर रोज मिले, बट तीसरे दिन से हम काफी ज्यादा। आप बिल्कुल नहीं क्लियर दिख रहे, थोड़ा सा नेटवर्क बाहर आइए, थोड़ा शेर बाहर नहीं अभी मुझे, शेर. अभी मुझे कमेंट्स आए कि आप दिख रहे हो क्लियर, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे आप बिल्कुल भी. क्या बात कर रहे हो, नहीं क्योंकि आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है बट फेस नहीं दिख रहा. रुको मैं थोड़ा इधर उधर करके दिखता हूँ, मेरा फोन 2 रिंग लाइट है ना, अभी आई. हाँ यस दिस इज अभी नाइस, दिख रहे हैं. हाँ दिस इज ओके, दिस इज फाइनली कूल. या फाइनली सो ओके। ये स्टाइल क्या राज है ये बताओ पहले तो, योर हेयर्स इन दिस ब्राउन कलर एंड रियली स्टाइलिश. ये कुछ राज नहीं है, ये भगवान की दया है और मेरे माँ बाप के पुण्य जो मुझे, और उनके जीन्स है जो मुझे मिले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं केयर कर रहा हूँ अपने बालों का, तो बस यही है, ज्यादा कुछ नहीं। ओके अच्छा ये नाम जो रखा आपने तीन तगाड़ा, ये कुछ ऐसा शुरू में रख लिया था आपने या किसका था, तीनों में से किसका आइडिया था? ये आइडिया था भाविन का कि हम 3 तिगाड़ा रखेंगे, ग्रुप का भी आइडिया भाविन का ही था, अच्छा क्योंकि हम मीटिंग ग्रेड पे, तो समीक्षा ठहरी बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट, तो ज्यादा कुछ बोलती ओके तो है नहीं वो, मैं बोला पहले दिन ज्यादा, और मैं हूँ बहुत बड़ा एक्सट्रोवर्ट, तो मैं सोच रहा था मैं पहले दिन ज्यादा बकबक करूंगा तो लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा बकबकिया है ये, तो उसके चक्कर में कुछ बोल नहीं रहा था, बट कॉन्फिडेंट इंसान, तो उसने स्टार्ट की बातें कि ग्रुप ग्रुप, तो फिर अगले दिन से ग्रुप बनाओ, भाभी ने ही नाम सोचा है 3 तिगाड़ा। अटक गए हो आप,
क्लियर नहीं है आप तो। आप अटक चुके हो मैम। हेलो 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 हेलो, आप अटक रहे हो। हाँ अभी ठीक हो, अभी ठीक हो, अभी ठीक हो। आज लगता है आज दिन ही नहीं है। सब अटक चुके हैं। अच्छा जब तक आप अटके हो अभी आप सही है, अब फिर अटक गए। अभी आप सही क्या सीन है यार, ये दिख रही हो बट आप ना बहुत ज्यादा। हाँ मैं तो क्लियर दिख गया बट आप नहीं, मैं एकदम क्लियर दिख रहा हूँ, मुझे पता है। बट आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो, आप सही हो। बोलो बोलो बोलो। यस हाँ परफेक्ट। थोड़ी थोड़ी अटक रही हो बट ठीक है, चलेगा, वी कैन मैनेज। ओके यस यस परफेक्टली वी कैन मैनेज. ओके तो म्यूजिकली से टिकटॉक पर आना. हाउ वाज इट लाइक, क्योंकि यू स्टार्टेड विद म्यूजिकली राइट. यस आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिकली वो उसके लास्ट फेज में था। वो बहुत जल्द टिकटॉक बनने वाला था तो मैं बहुत लास्ट फेज में आया था म्यूजिकली के। तो ऑब्वियसली द जर्नी वाज नॉट वेरी स्मूथ वन, और यू नो द ओवरनाइट फेम मिल गया मुझे। जैसे बहुत ही टैलेंटलेस लोगों को मिल रहा है आजकल। तो ऑब्वियसली टैलेंटेड मुझे ओवरनाइट फेम नहीं मिला। आई हैव वर्क फॉर इट, ऑब्वियसली आई वर्क अ लॉट फॉर इट। हमने बहुत सी, मैंने भी, समीक्षा ने भी, भाभी ने, हम तीनों ने बहुत मेहनत करके ऊपर है, अपने आप को प्रूव करके ऊपर है। आज मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं टिकटॉक पे, आई डोंट वॉन्ट टू पॉइंट आउट नेम्स बट यू नो दे आर डूइंग सम शिटी थिंग्स एंड दे आर गेटिंग यू नो। सो यस आई गेस मैम, तो मेहनत से आए हैं काफी। ओके सो या इट्स मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इन टिकटॉक. कितना अच्छा लगता है. कभी सोचा था ऐसा कि टिकटॉक स्टार्ट म्यूजिकली स्टार्ट करेंगे फिर टिकटॉक पर, उसके बाद फिर इतने फैन फॉलोइंग रहेगी. नहीं खैर कभी तो कुछ आगे का तो हम सोचते हैं नहीं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बट जस्ट एक दिल में होप रख के, एक मैंने एक पॉजिटिविटी रख के मेरे अंदर मैंने चालू किया था। मुझे ये तो पता था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। मुझे ये फील्ड में जाना था, मुझे इतना तो पता था कि मैं इसी लाइन के लिए बना हुआ हूँ, एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए। इतना मुझे पता था, आगे फिर भगवान ने बहुत हेल्प करी मेरी। ग्रेट. अच्छा आपने इतनी सारे वीडियोस बनाए तो कोई फेवरेट वीडियो है आपका अभी तक जो बहुत फेवरेट रहा हो आपका? वैसे तो कितने सारे हैं मतलब जिसका नंबर्स में है, बट एनी फेवरेट. देखो खैर इट्स रियली डिफिकल्ट टू सिलेक्ट फ्रॉम योर ओन किड्स। खुद के बच्चों से में से सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखे जाओगे तो परफॉर्मेंस वाइज जो है मेरा फेवरेट है तू भी रोएगा, जिसमें मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेहतरीन आई है। बट अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो मेरा जो ओवरऑल सबसे पहला सॉन्ग था सुनदानी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड तीन तिगाड़ा का जो पहला सॉन्ग था लाके गया इश्क, वो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के। और अभी रिसेंटली जो मेरा ओके भाई आया है, तो अगर हाँ मुझे, वो मैं बहुत एक तो नहीं पसंद बिल्कुल किया है सिलेक्ट कर सकता, तो ये, हाँ तो ये फैंस ने, तीन बहुत मैं सिलेक्ट पसंद कर देता किया हूँ, वो बहुत ज्यादा पसंद किया। तो आई एम रियली हैप्पी। या सो अभी कुछ दिन पहले आपने राधे का लुक भी शेयर किया था, कुछ एक राधे का लुक था एंड लाइक दिस एंड ऑल ना. ये था, हाउ मतलब डू मैं ऐसे जस्ट यस बैठा था, मुझे अच्छा वाओ लगा तो मैंने मैंने बस ये किया ऐसे करके, मैंने बस फोटो क्लिक कर लिया कि चलो एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। ओ मेरे को फोटो अच्छी लगी, मैंने ऐसे टाइम पास में अपलोड कर दी। विशाल एनी प्लानिंग फॉर वेब सीरीज और मूवीज आगे, कुछ क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर में?
मूवीज का तो भी मैं उस साइड से एक आध चीजें हुई थी बट जो कंफर्म नहीं हो पाई, बट उसके अलावा यस आई एम डूइंग वेब सीरीज एंड बहुत जल्द आप लोग मुझे देख पाएंगे। चलो ग्रेट। अच्छा अभी बता रहे थे कि कुछ वीडियोस हैं ऐसे, कुछ आउटडोर वीडियोस भी हैं जो पेंडिंग पड़े हैं आपके कुछ करने हैं, या कुछ ऐसे आउटडोर वीडियोस हैं जो पहले शूट कर चुके हैं एंड यू वांट टू अपलोड इट? मेरे पास है आउटडोर वीडियोस पहले के, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं नहीं अपलोड करूँ, हाँ बिकॉज यू नो मेरे को नहीं दिखाना है कि आउटडोर क्या, मतलब मुझे पब्लिक को मोटिवेट ही नहीं करना है बाहर जाके वीडियो बनाओ। बट लेट्स सी, तो अगर मैं अपलोड भी करूंगा तो मैं ऐसा कुछ करके डालूंगा कि यू नो पुरानी वीडियो है ऐसा कुछ करे, बट देखता हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं डालूंगा अभी कि नहीं, लेट्स सी देखते हैं। बट हाँ, मेरे पास हाँ वीडियोस काफी पड़े हैं। बिकॉज काफी लोग बाहर की वीडियो शूट करके लगा वीडियो अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक और उस पर, तो वो गलत है एक्चुअली। खैर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका उनको अगर बाहर की वीडियोस अपलोड करनी है वो, बट हाँ लेकिन अगर वो बाहर जाके शूट करें तो वो फिर गलत कर रहे राइट। अच्छा हैं। हम बात करें कि आपके वीडियोस बहुत यूनिक होते हैं, ठीक है, तो तीनों में से किसका कंटेंट होता है? मींस ऐसा है कि जो वीडियो अपलोड करता है उसी का होता है, या आप लोग शेयर करते हैं कंटेंट? हाउ यू डू? जिसका वीडियो होता है उसका ही कंटेंट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ, बट हाँ एक दूसरे की उसमें हम इम्प्रोवाइज जरूर करते हैं कि देख अगर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके ऐसा करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो करते हैं। बाकी कंटेंट जिसका वीडियो उसका ही रहता ओके अच्छा भाविन, हु इज योर फेवरेट समीक्षा और सॉरी विशाल, हु इज योर फेवरेट भाविन और समीक्षा? है। पता है आपको, मैंने एक ना वीडियो बनाई थी टिकटॉक पे, तो उसमें एक साउंड था कि मैं आपको नहीं बोल रहा ये चीज, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मेरे को, ये तो मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आप इसलिए मुझसे पूछ रहे हो। एक मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक आवाज था, मैंने ऐसे ऊपर किया था, उस पर लिखा हुआ था पर्सन व्हेन समवन आस्क मी टू चूज बिटवीन समीक्षा एंड भाविल, और उसके बाद डायलॉग आया था कि एक चप्पल खींच के मारूंगा तेरे को साले। तो ऐसा एक डायलॉग मैंने बनाया था क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, वो बहुत हाँ इरिटेट ये करता है फैंस, उतना। एक्चुअली बहुत सारे फैंस के यही वाले क्वेश्चंस हम लोगों के पास आए कि जस्ट आस्क विशाल के हु इज द हाँ फेवरेट एक्चुअली। बट सबको समझना पड़ेगा कि मेरा दोनों दोनों ही मेरे लिए इक्वल ही इम्पोर्टेंट है, आई कांट रियली चूज यू नो। तो यस ओके वी विल हैव अ स्मॉल सेगमेंट फास्ट, क्योंकि आप मेरे को ओके, दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली बिल्कुल भी, मैं अंदाजे अब से बस वापस आपसे नहीं दिख बात कर रहा। रही हूँ। नहीं सिर्फ सो विशाल, यू फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। यस नाउ इट्स फाइन। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट एंड लास्ट इज दीपिका पादुकोण, फॉर एवर ओ नो। फिल्म और वेब सीरीज? फिल्म और वेब सीरीज, यू हैव टू चूज वन। यस फिल्म ग्रेट। आपकी कोई ड्रीम मेरी कोई ड्रीम ड्रीम मेरा कोई ड्रीम ड्रीम मेरा ड्रीम है टू बी द, इफ नॉट बिगेस्ट द, आई डोंट वांट टू बी द बिगेस्ट वन, बट टू बी द बेस्ट क्रिएटर ऑन डिजिटल। ओके, योर फेवरेट सिंगर एंड यू हैव टू सिंग टू लाइंस ऑफ देम? माय फेवरेट सिंगर, ओके माय फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह। और दो लाइन। बड़ा म्यूजिक, हाँ तो बट मैं अरिजीत के सॉन्ग नहीं गाऊंगा क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छे सॉन्ग हमें दिए, तो मैं खुद के सॉन्ग ही गाऊंगा। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, मेरी बहुत फटीली वॉइस है, तो डोंट माइंड गाइस। तो क्योंकि मैम इतना बोल रहे हैं तो मैं इसलिए गा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे में हिम्मत नहीं होती गाने की। तो मैं कौन सा गाना गाऊँ यार, आप बताओ, आप मेरे कोई सॉन्ग सजेस्ट करो जो मैं गाऊँ। अभी जो आया था मेरे भाई। अच्छा मेरा भाई, ठीक है चलो, अब मेरे को सिर्फ 10 सेकंड तक क्योंकि मेरे को याद करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके एक मेरे को, तू सो है गाइस आप उदास लोग बोल रहे थे तेरे। ना विशाल की आपको आवाज सुननी है, आपको लाइव गाना सुनना है उनका, तो बी रेडी, विशाल जल्दी से अपनी आवाज में गाना सुनाने वाले हैं। जी विशाल। अच्छा हाँ, क्यों है खफा तू, मैं मेरे को बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, आई एम रियली सॉरी गाइस, आई नो इट्स रियली
वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी टू डू दिस, बट ये पता नहीं क्या जोक्स वर्ड नहीं ऐसा कुछ है. चलो मैं यहां से गाता हूँ. क्यों है खफा तू, राज ये दिल के मुझ पे खोल दे, तू दास तो चेहरे पे मेरे उदासी छाई है, पगले तू मेरा भाई है, पगले तू मेरा भाई है. वाओ अमेजिंग, कितना तो अच्छा गाया हम सारे, नहीं बिल्कुल प्लीज, सीरियसली। मैंने गाइस मैंने इनको बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए हैं, प्लीज ऐसा मत मानना. मैं जब नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं गाया नहीं सीरियसली अच्छा गाया है विशाल, सीरियसली। ओके है. विशाल, एनी इमोशनल मोमेंट आपकी लाइफ का, कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट रहा हो? देखो अगर मैं मेरी बात करूँ तो हमें लाइफ में तिंगतिगाड़ों को कोई भी चीज बड़े आसानी से नहीं मिलती है. हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात. और मैंने ये चीज नोटिस भी किया कि हमें भगवान हर एक चीज मेहनत करके देता है ना, इतनी राइटली से सबको मेहनत करके ही मिलनी चाहिए. तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है. तो रुलाते गया इश्क के टाइम जब हमारा वीडियो आया था, तो उसके पहले लोग हमें इतना ये नहीं मानते थे कि कि ये तीन तिगाड़ा कुछ कर सकता है म्यूजिक वीडियो में, इनका कुछ है. आफ्टर रुला के गया इश्क वी प्रूव्ड एवरीवन दैट यस हम ताकत रखते हो करने. हेलो ठीक है, आप मुझे आप दिख रहे हो. ओके हेलो. अच्छा ओके ओके. तो जब जब फिर उसके बाद हम ट्रेंडिंग 2 से हम 1 तक नहीं पहुंच पाए थे, तो हम उतर गए थे ट्रेंडिंग से 2 पे आगे लगा के गए इस टाइम. खैर वो सॉन्ग आज बहुत अलग लेवल पे. तो उसके बाद जब हमारा दूसरा सॉन्ग आया तू भी रोएगा, तो उसके बाद हम ट्रेंडिंग 1 पे चढ़े. और उसके बाद हम 2 दिन तक पूरे यूट्यूब इंडिया पे हम ट्रेंडिंग 1 थे. तो दैट वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी दैट यस वी प्रूव्ड आवर सेल्फ. लास्ट टाइम हम नंबर 1 ट्रेंडिंग पे नहीं आए थे, 2 से निकल गए थे, बट इस बार हम 1 पे आए और उस पे 2 दिन तक बने रहे. मैडम सो गाइस यस हाय, आप अभी आप ठीक हो, अभी आप ठीक हो, बीच में आप एकदम अटक गए थे. ओके चलो। हाँ तो आप बता रहे थे मुझे कि ट्रेंडिंग आप पहले ट्रेंड सेकंड नंबर पे थे, फिर फर्स्ट नंबर पर आए थे, राइट? रहा मतलब रुला के गैश के टाइम हम सेकंड पे आके हम निकल गए थे, तो बहुत दुख हुआ था. बट तू भी रोएगा के टाइम हम फर्स्ट पे चढ़े और 2 से 3 दिन तक हम वहां पे मेंटेन रहे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे. तो वो मेरे लिए काफी इमोशनल मोमेंट था कि यस फाइनली वी डिड इट. That's great. एक बहुत ही पर्सनल सवाल आपसे विशाल। विशाल आपको लड़की कैसी पसंद है? लड़की कैसी पसंद है? ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल पसंद सवाल नहीं है, तो काफी अच्छा सवाल है, बता देता हूँ मैं कैसी पसंद है. तो सबसे पहले हमारे लाइफ में दिनेश पाजी आए हैं, तो हाय दिनेश पाजी लव यू. तो हाँ दूसरी बात मुझे लड़की कैसी पसंद है, लड़की मुझे यार काफी ह्यूमरस लाइक बकलेल, पता है एक बकलेल वर्ड होता है बकलेल, जो बहुत ज्यादा क्योंकि मैं वैसा ही हूँ. मैं हंसता खेलता जोक्स हम मुझे वैसा ही पसंद है, पता आपको कि एकदम हंसी खुशी जो जोक्स है करे जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बिंदास। बहुत अच्छा हो, बिंदास एकदम. हाँ एकदम बिंदास जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, तो जो बखलेती कर लेती हो अच्छी, बस वैसी लड़कियां मुझे पसंद है. ओके ग्रेट, चलो। तो अभी कोई है गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड फैंस आर नहीं आस्किंग, नहीं फैंस आर नहीं नहीं आस्किंग नो। ओके फाइन, चलो।
अच्छा विशाल, ऐसा कुछ है लाइफ में जो आप करना चाहते हैं अभी आपने नहीं किया हो, और कुछ ऐसा है कुछ आप मतलब कि मुझे ये चीज करनी है? मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जो मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जो मैं नहीं बता सकता आपको ओके मुझे बट यू बहुत सी कैन ऐसी चीजें शेयर, करनी एक है। एक एक तो शेयर कर सकते हो कुछ भी। एक शेयर कर सकता हूँ मैं, हाँ एक शेयर कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीजें जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ जब तक मैंने नहीं किया है कि मैं कुछ लोगों को कुछ मेरे फील्ड के लोगों को बहुत अच्छा खासा जवाब देना चाहता हूँ मैं, और बहुत कुछ प्रूव करना चाहता हूँ मैं अपनी टीम के साथ, टीम की गाड़ी के साथ। मेरे कलीग्स को बहुत सारे कुछ कुछ चंद इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने आप को आई गेस अब बहुत ज्यादा दे आर की तो मुझे बहुत से लोगों को बहुत, और अभी से मेरे हिसाब से मेरे को लाइफ में आप बात करो तो मुझे अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा से प्रूव ही करना पड़ा है टिंटीगाड़ा को, तो आगे ही सही, एंड आई एम रियली हैप्पी डूइंग दैट, क्योंकि आगे चल के हमें कोई ऐसे नहीं बोल सकता ये तो चलो ओवरनाइट, इसको तो सब ऐसे ही मिल गया है, तो कुछ बात नहीं है। जो ओवरनाइट भी है वो भगवान को बहुत तरक्की दे, क्योंकि उनको वो अपने लक्ष्य से आगे आए हैं, बट उनको भी बहुत बहुत बधाई, बट हम भी अपने हार्डवर्क से आए। तो मुझे बहुत से लोगों को बहुत कुछ प्रूव करना, अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी। आई गेस मैं 100 सीढ़ी में से अभी हम एक ही सीढ़ी चढ़े हैं। ओके अच्छा विशाल, कुछ थोड़ी सी कमेंट्स लेते हैं आपके लिए। फैंस ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे आपको, और ओके उसमें से मैंने आई थिंक 10 to 15 निकाले हैं कमेंट्स। देवर अराउंड 5,000 कमेंट, बिकॉज वी हैव अ यूट्यूब चैनल आल्सो, बॉलीवुड टशन एंड टेली टशन, उसपे ओके अलग थे, इंस्टाग्राम पे अलग थे, तो वो अलग अलग करके मैंने कुछ निकाले हैं। ठीक है, ओके प्लीज आस्क हिम टू सी द एडिट्स मीम्स आई हैव मेड फॉर हिम, आई हैव डीम हिम सम आल्सो, प्लीज आस्क हिम टू टेक माय नेम पलक। हाय पलक, एंड आई एम श्योर मैंने आपके कुछ ना कुछ एडिट्स देखे रहेंगे, मैंने वीएम्स देखे रहेंगे आपके, मैं बहुत सारे देखता हूँ। जैसे अभी मैंने एक कबीर सिंह देखा, उसके बारे में मैंने एक विलन देखा था, मैं आप लोग के बहुत सारे एडिट्स देखता हूँ यार, ट्रस्ट मी। प्लीज आस्क हिम टू टेक विशाल पांडे स्माइल नेम कनक। हाय हाय कनक, विशाल पांडे स्माइल। मुझे पता है कि आपकी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, इसलिए आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हैं। मैंने आपको कल मैसेज भी किया है कि प्लीज टेक रेस्ट, एंड आप अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। लव यू। ओके 3-4 पीपल आर आस्किंग विशाल व्हाट इज योर फेवरेट फूड। मैं फेवरेट फूड इज घर का खाना एनी टाइम, बट जो कि मैं नहीं खा पा रहा हूँ बहुत अच्छे से क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, तो हाँ। लेकिन इसको अलावा अगर बाहर का कुछ पसंद है, मुझे पानी पूरी काफी ज्यादा पसंद है। फेज और हाँ एक और मेरा फेवरेट फूड है जो है दही और वाटरमेलन को मैं मिक्स करके खाता हूँ, बहुत अजीब अजीब चीज है बट मुझे पसंद है। ओके मिताली इज आस्किंग फेवरेट मूवीज ऑफ बॉलीवुड एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण। ओ, इनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है लगता है। फेवरेट फेवरेट मूवी अपार दीपिका की मूवी है, कैसे कुछ सिलेक्ट करो यार, फिर तानाजी वाज रियली नाइस मूवी। तानाजी अच्छी थी, ओके एंड उसके पहले अगर मैं बोलूँ तो फेजी इज आस्किंग मीहू विशाल की कौन सी कजिन है, और मीहू का और मीहू के मम्मी पापा कहाँ हैं? सॉरी मेरे को समझा नहीं क्या बोला। मीहू मीहू हु इज मीहू? आई डोंट नो, हाँ समबडी इज आस्किंग मीहू विशाल की कौन सी कजिन है। नो आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी बट आई रियली डोंट नो। ओके एक्चुअली दे आर 10,000 टू दिस अराउंड 1,000 पीपल हुआ सेम कि मेरा नाम भी बुलवाना, मेरा नाम भी, मेरा नाम भी, एंड दे आर ओके अगेन देर इज विशाल जोन, प्लीज टेल हिम टू चेक माय एडिट्स फॉर हिम। हाय ओके विषम जो, हाय विषम जोन, आई रियली लाइक कि आप जो भी वीएम्स बनाते हो, तो ट्रस्ट मी आई लव यू। मैं आपके बहुत सारे वीएम्स देखता हूँ। तीन तिगाड़ा फैंस बांग्लादेश दे आर सेइंग प्लीज विशाल को मेरा नाम लेने के लिए बोलना, और बोलना उनका फेवरेट सिंगर कौन सा है और एक गाना उनके लिए। ओके तो ये कौन है? दे आर तीन तिगाड़ा फैंस फ्रॉम बांग्लादेश। हाय तीन तिकाड़ा फैंस, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर फैन क्लब एंड वी लव यू। हाँ तो एक सॉन्ग
जो हाँ तो जैसे मतलब अरिजीत सिंह मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और अब मैं उनका गाना गा देता हूँ। तो यार मुझे गाना ही गवा रहे हो आप लोग, एकदम फटी वॉइस है मेरी। तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना रे तिया रे। थैंक यू। Wow, good, amazing. Can you please ask him? Okay, Ambika Singh, I'm die-hard fan of Vishal. Can you please ask him to know any other language? And while asking, please take his name, Ambika. You know any other language? हाय अंबिका, आई लव यू। वेल आई नो भोजपुरी बिकॉज इट्स माय मदर टंग, तो मैं बस बोल सकता हूँ। और मैं अंबिका को भैया मैं कुछ ग्रीट कर देता हूँ। हाय अंबिका, कैसन हो? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारा वीडियोस देखे के बाद। एंड हमारे सारा वीडियोस देखा कर, बहुत सारा प्यार दिया कर, और हम तो से बहुत प्यार कर रही थी। थैंक यू। रिचा शाह के लव फ्रॉम आगरा, प्लीज टेल हिम टू टेक माय नेम. हाय रिचा, लव यू। ओके, शगुनी सिंह, आई एम ह्यूज फैन ऑफ विशाल पांडे, प्लीज टेल हिम टू टेक माय नेम वंस अ लॉट. एंड हाउ डिड ही फील व्हेन ही केम टू असम? ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। वेल हाय शगुन, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ, लव यू। व्हेन आई केम टू असम, द काइंड ऑफ लव वी गॉट फ्रॉम असम वाज यू नो ह्यूज। आई गेस इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस बिकॉज़ वहां से हमें काफी ज्यादा प्यार मिला। वहां पे मैं फिल्म फेयर होस्ट करने गए थे हम, तो इट वॉज ऑलरेडी स्पेशल मोमेंट। और उसके अलावा इतने अच्छे अच्छे लोग हमें वहां मिले। तो And she's asking one more question. Please ask him to TikTok on Bihu song with Samiksha. To do TikTok on Bihu song. View song, ओके आई डू पक्का। And ask him when will other episode of Chai Pani come up? दिस फ्राइडे। Okay, great. Please take my name. Please take my name. Okay, शाल, तो अभी लॉकडाउन के बाद क्या कुछ करने वाले हो? लॉकडाउन के बाद मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ समीक्षा मान के साथ। तो खैर मैं जाऊंगा ही, वो तो हम शूट पे जाए तो जाने वाले। बट मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ऋषि अदनान, उनके साथ भी मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। सो मैं समीक्षा मान के साथ भी कुछ कर रहा हूँ, उनके साथ भी कुछ कर रहा हूँ। तो अब मैं बहुत दिन तक गायब रहने वाला हूँ। ओके, सो अभी और क्या क्या कुछ आने वाला है लॉकडाउन के बाद, वो थोड़ा सा शेयर करिए फैंस के साथ. लॉकडाउन के बाद आई एम स्टार्टिंग विथ माई वेब सीरीज का शूटिंग। एंड लॉकडाउन के बाद आई एम स्टार्टिंग विथ माई 3 म्यूजिक वीडियो का जो शूटिंग पेंडिंग है वो बाकी है। तो वो सब कर लूंगा, फिर धीरे धीरे सब आता रहेगा। ओके, तो हु इंस्पायर्ड यू मोर, मतलब क्या कौन इंस्पिरेशन है आपके? मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे फादर है, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क जो इतना डेडिकेशन से अपना काम करते हैं इज माई इंस्पिरेशन। अपार्ट फ्रॉम देम आई गेस, अपार्ट फ्रॉम हिम आई गेस माई मदर, बिकॉज जितना उनका सेल्फलेस नेचर है, जो एक मेरी मम्मी नहीं, हर किसी की मम्मी, हर एक औरत जो सेल्फलेसनेस से केयर करती है पूरे परिवार का, वो मेरे इंस्पिरेशन है। एंड उसके बाद कोई है तो भाविन और समीक्षा मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। ओके, अच्छा विशाल, मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी. आपको किसी रियलिटी शो में देखने वाली हैं हम आगे? इफ यू फिलहाल तो टॉक ऐसा अबाउट कुछ बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और कुछ किसी में. फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, और मेरे पास ऐसा फिलहाल कुछ ऑफर नहीं आया है। पहले बहुत सारे ऑफर्स आए थे कुछ लॉकडाउन के 3-4 महीने पहले, बहुत सारे यू नो रियलिटी शोज के, मैं नाम नहीं दूंगा। बट बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी के नहीं, उसके अलावा जो रियलिटी शोज हैं काफी उसके आए थे, बट किसी ना किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया था। तो बट अगर ओके, आया अच्छा तो बिल्कुल करेंगे यार। आई थिंक यस. यस ओके, चलो, तो बिग बॉस 13 देखा था आपने इस बार का? थोड़ा बहुत फॉलो करा था कौन फेवरेट था? मुझे बहुत। खैर मुझे जब बिग बॉस चालू होने से मुझे पता था कि टॉप 4 कौन है। मैं तो मेरे घर पे अपने फ्रेंड्स को मैंने रैंकिंग बता दिया था कि सिद्धार्थ जीतने वाला है, देन आसिन, देन शहनाज, देन रश्मि। पता ही था ये होने ही वाला है, क्योंकि लाइक दे वर द ओनली जो मतलब, और मुझे उसके बाद मैंने ये बोला था आरती भी आएगी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट क्लियर कि कुछ प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो और वो डिजर्वली आगे गए और हुआ जो हुआ। तो हाँ सब, और मेरा कोई फेवरेट नहीं था, सब अच्छे थे।
आप फिर से अटक गए मैम। मैं नहीं हूं। सॉरी मैं इसको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ अब फिर आप अभी अभी हाँ अब सही हो, अब सही हो। यस हाय हाय। अब अभी आ रही आवाज। माय गॉड, आज तो नेट पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ओके, तो हम बात कर रहे थे बिग बॉस 13 की। आपने बताया कि आपने बता दिया था कि चार कंटेस्टेंट्स ये फिनाले में जाएंगे। तो अगर हम बात करें जोड़ियों की, तो सिद्धार्थ और आपको वो जोड़ी सब कैसी लगी? बहुत सारी जोड़ियां बनी थी वहां पर, तो कोई फेवरेट था ऐसा? अच्छी थी नहीं, कोई फेवरेट नहीं था, पर सब अच्छे थे। सिग्नास अच्छे थे, आसिम और हिमांशु की जोड़ी अच्छी थी, सब अच्छे थे। ओके चलो, और अग्नि अभी सब वेगर, लोग अग्नि के फ्लेम एल्बम्स वेल। आए थे। अभी इन लोगों के एल्बम्स आए थे, वो कैसे लगे आपको? मैंने भुला दूंगा तो नहीं देखा है सिग्नास का, मैंने कल्ला सोना देखा है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। ओके चलिए विशाल, थैंक यू सो मच कमिंग लाइव। और लास्ट में आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं लास्ट में फैंस को ये बोलूंगा, गाइस ट्रस्ट मी, गाइस आई लव यू गाइस अलॉट। मैं दिल से बोलता हूँ हर बार ये, एंड आई लव यू अलॉट, एंड प्लीज बी सेफ, घर पे रहो। और मैं बहुत जल्द आज मैं ट्राई करूंगा लाइव आने का, दिखते हैं, अपने हैंडल से आने का ट्राई करूंगा, बट लेट्स सी, अगर नहीं आ पाया तो कल पक्का आऊंगा। बट आई लव यू गाइज, क्योंकि आप लोग से इतने दिन से मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए। सो आई लव यू गाइज अलॉट। अपने घर पे रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। एंड चलो बाय, थैंक यू विशाल एंड ऑल द बाय, थैंक बेस्ट। यू, चलो बाय। बाय। थैंक यू सो मच। तो ये थे विशाल हमारे साथ, और आप टिकटॉक पे आपको पता ही है धमाल मचा रहे हैं विशाल। और हम आपके साथ 9 बजे लाइव आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा 9 बजे लाइव हमारे साथ। और आप भी बताइए कि आपको विशाल के टिकटॉक वीडियोस कैसे लगते हैं। जैसे कई काफी सारे लोगों ने हाय हेलो बोला था सारे लोगों ने, और कितने लोग टिकटॉक पर विशाल को फॉलो करते हैं? अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जितने लोगों ने ये वीडियो मिस किया है, कुछ नेटवर्क इश्यूज से सारी प्रॉब्लम थी, तो ये वीडियो हम अपने बॉलीवुड टशन और टेली टशन जो यूट्यूब चैनल्स है उन पर अपलोड करेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं, और आप वीडियो को देख सकते हैं, और इसको इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं हमारे इस वीडियो को। थोड़ी देर में ये लाइव आ जाएगा वीडियो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 9 बजे हमारे साथ शनुन के आने वाली हैं, तो आप कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं। शनुन के की बात करें तो वो कुमार शानू जी की बेटी हैं, और उनसे खूब सारी बातें करने वाले हैं, उनके एक गाने के बारे में, उन्होंने क्या सीखा है, क्या कुछ कर रही हैं, वो अभी क्वारंटाइन है। और अगर आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, और हम फिर मिलते हैं आपके पास 9 बजे। चलिए बाय, टेक केयर।